सो हे गाइस आदर्श है, काफी सारे बच्चों की एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुकी है, कुछ बच्चों की एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुकी है। तो आज मैं यार आप लोगों को बताने वाला हूँ जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जब भी आप किसी एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने जाते हैं, प्रिपरेशन उसकी, तो उसके बारे में आप लोगों को ए टू जेड सारी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई मेंस के एग्जामिनेशन से। और ध्यान रखना, ये जो जेई एडवांस के बारे में बताने वाला हूं या जेई मेंस के बारे में बताने वाला हूं, इवन अगर आप इस साल भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, मतलब कि 2021 में भी देने वाले हैं, तो जो जो मैं जेई एडवांस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। बहुत ही ज्यादा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनीवेज हम लोग जेई मेंस से स्टार्ट करते हैं और कंपेयर करेंगे उसको जेई एडवांस से। देखो यार, जेई मेंस में जो हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, तो इससे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जेई मेंस और जेई एडवांस जो है, इनमें से जेई मेंस जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं इंडिया में, उन सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में से मोस्ट फेमस एग्जामिनेशन है। जैसे कि मेडिकल में हमारा नीट है, उसी तरीके से इंजीनियरिंग में हमारा जेई मेंस है। क्या जेई मेंस ही सिर्फ एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट कराई जाती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए? नहीं, बहुत सारे और एग्जाम्स हैं, जैसे कि WBJEE है, BITSAT है, MHT CET है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। लेकिन दिन पर दिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारे एग्जामिनेशंस को एक एक करके कैंसिल किया जा रहा है। और इस मतलब आप आने वाले 3-4 साल या 5 साल या हो भी सकता है 10 साल, इनमें देखेंगे कि सारे एग्जामिनेशंस खत्म करके सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस कंडक्ट कराया जा रहा है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जेई मेंस दरवाजा है, क्या है हमारा, डोर। और जब जेई मेंस की एग्जामिनेशन में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, जब आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, तो आप लोग फिर जेई एडवांस के एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप अभी उठ सुट के सोचोगे कि नहीं मैं भैया जेई एडवांस की एग्जामिनेशन जाके दे दूंगा, नहीं, जेई एडवांस एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो, सबसे पहले आप लोगों को जेई मेंस की एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग जेई एडवांस की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि जेई मेंस या जेई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं। तो जेई मेंस की परीक्षा देने के लिए या तो आप 12वीं कक्षा में होनी चाहिए, या तो फिर आप 13वीं, मतलब कि 1 साल का ड्रॉप हो, या फिर आप जब 14th में हो, मतलब 2 साल का अगर आपने ड्रॉप लिया, तो वो सारे बच्चे जेई मेंस की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब कि 3 consecutive years, 3 years। सपोज अगर आपने इस साल, मतलब कि 2021 में 12वीं दिया है, तो 2021 में आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे, 2022 में आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे, और 2023 में आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो मतलब 3 साल आप लोगों को एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। और हम लोग अब आ जाते हैं जेई एडवांस के बारे में। तो जेई एडवांस की एग्जामिनेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 चांस मिलता है देने के लिए। सपोज मैं कह रहा हूं, सपोज अगर आपने 2021 में अपनी क्लास 12th की एग्जामिनेशन दी, तो क्लास 12th जब आपने दिया 2021 में, तब आप लोग जेई एडवांस की एग्जामिनेशन दे पाएंगे, और साथ ही आप लोग 2022 में दे पाएंगे। मतलब कि कंसेक्यूटिव 2 years में ही सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। तो ये एग्जाम हमारी ऑनलाइन होती है। सिमिलरली हमारा जेई एडवांस का भी जो एग्जामिनेशन होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, जेई मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं यार, वो नॉर्मली इजी टाइप। वीडियो में आगे बढ़ू यार, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है यूसैट, अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो अभी आप अगर 11th में जा रहे हो, मतलब 10th से 11th की ओर जा रहे हो, या फिर 11th से 12th की ओर जा रहे हो, या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, है ना। तो आप लोग जाके अपने आपको टेस्ट भी कर सकते हो एक तरीके से, कि क्या मेरी लेवल रहने वाली है। आप लोगों को सिलेबस वगैरह सारी चीजें मैं स्क्रीन पे वैसे दिखा दूंगा। टेस्ट 18 अप्रैल को टेस्ट होने वाली है, जाके अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपका एग्जामिनेशन में अच्छा होता है, तो आपको स्कॉलरशिप है, रिवॉर्ड्स है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती है। और एग्जामिनेशन में अगर आपका सपोज करो अच्छा नहीं भी हुआ, तो फ्री की टेस्ट थी, जाके आपने दिया, देखा भाई कि ठीक है भाई, मैं उस लेवल का हूं या नहीं हूं, क्या मैं बच्चों से कंपीट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अरे हजारों बच्चे देंगे, आपको एटलीस्ट सबका लेवल तो पता चलेगा कि ठीक है भाई, मैं किस लेवल पे हूं। बात समझ आई? तो यूसैट एग्जामिनेशन 18 अप्रैल को होने वाली है, और सारे बच्चे एग्जामिनेशन जाके दे सकते हैं। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और यू कैन यूज माई कोड आदर्श बर्णवाल, तो यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस कोड से आप लोगों को कोई कोर्स खरीदनी है, वो आपका मन है, लेकिन जब आप लोग इनरोल कर रहे होंगे तो इस कोड को आप लोग आते हैं। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। हमारा जो जेई मेंस का जो क्वेश्चन होता है, अर्लियर इससे पहले सीबीएसई सेट करती थी, बट अब सीबीएसई सेट नहीं करती है, अब एनटीए सेट करती है क्वेश्चन को। कौन सेट करती है? एनटीए सेट करती है। और हमारा जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, इसकी जो क्वेश्चन सेट होती है, वो आईआईटी सेट करते हैं। जैसे कभी आईआईटी खड़गपुर सेट किया, कभी आईआईटी दिल्ली सेट किया, कभी आईआईटी मुंबई सेट किया। तो जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, उसे हम लोग, उसे कौन सेट करता है? आईआईटी उस पेपर को सेट करती है। अच्छा, आपके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है 75% इन क्लास 12, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं टॉप 20 percentile। क्या होती है हमारी टॉप 20 percentile? हाँ, ये जनरल, ओबीसी,
इन लोगों के लिए, EWS के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी हो तो 65% में भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी है यार, ये नॉर्मल एलिजिबिलिटी है। इस साल 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 2021 के लिए नो एलिजिबिलिटी है, सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा। सिर्फ पास करोगे तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे जेई मेंस की एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो बच्चे 2022 के लिए देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जेई मेंस के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो क्लास 12th में आप लोगों को 75% मार्क्स या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा। अच्छा भैया, जेई एडवांस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो जेई एडवांस के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो यह है कि जेई मेंस आपका क्रैक होना चाहिए, मतलब जेई मेंस का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को वो 75% और 65% वाला क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया हो गए हमारी जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या भैया, मैं जेई मेंस की एग्जामिनेशन 65% मतलब मार्क्स होंगे तो भी मैं दे पाऊंगा? नहीं, अरे तुम्हारे 40% 50% है तब भी तुम एग्जामिनेशन तो दे दोगे, देने में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगी। ये कॉलेज मिलने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75%। ऐसे तो तुम एग्जामिनेशन जाके देना चाहोगे, एग्जामिनेशन तुम दे दोगे, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, ठीक है भैया, जेई मेंस की एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की होती है? तो जेई मेंस की एग्जामिनेशन होती है यार हम लोगों की 300 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होती है? 300 मार्क्स की होती है। तीन सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सारा ही होता हमारा 100-100 मार्क्स का, 100-100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। वही हम लोग अब आ जाते हैं जेई एडवांस की ओर। तो जेई एडवांस के लिए कोई भी चीज फिक्स नहीं होता यार। ये एग्जामिनेशन आपकी 360 की भी हो सकती है, ये एग्जामिनेशन आपकी 300 की भी हो सकती है, ये एग्जामिनेशन आपकी 540 की भी हो सकती है, ये एग्जामिनेशन 480 की भी हो सकती है। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। मतलब आपको कब पता चलेगा पता है? जब आप जेई एडवांस के पेपर में जाके बैठोगे एग्जामिनेशन देने के लिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कितने मार्क्स की पेपर होने वाली है। ये पहले कभी नहीं बताया जाता आपको, लेकिन जेई मेंस में आप लोगों को पहले ये बात पता होता है कि कितने मार्क्स की पेपर वगैरह वो आने वाली है। तो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या सच में ये 300 का पेपर आएगा, 400 का पेपर आएगा, 420 का पेपर आएगा, तो कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो क्वेश्चन इसमें दो टाइप के आते हैं, एक होता है हमारा MCQ और एक होता है हमारा NET टाइप क्वेश्चन। MCQ का मतलब यह है कि ऑप्शंस रहेंगे 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहां पे आपको निगेटिव मिलता है -1, अगर आप गलत करते हो तो -1 मिलता है आपको। लेकिन NET टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें -0 मिलता है। बात समझ आई? मतलब कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब ये होता है कुछ इस तरीके से, सपोज आंसर आया 1.25 या फिर 1.50, तो इसे हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस में MCQ रहती है और NET टाइप क्वेश्चंस रहती है। NET टाइप क्वेश्चंस कितने रहते हैं? NET टाइप क्वेश्चंस रहते हैं हमारी 15 और MCQ रहती है हमारी 60। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल क्वेश्चंस आपके आते हैं 75 क्वेश्चंस। तो फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25 और मैथमेटिक्स में 25। तो जेई मेंस की एग्जामिनेशन में 75 क्वेश्चंस में सिर्फ MCQ 60 क्वेश्चंस और NET टाइप क्वेश्चंस 15 होते हैं। अब आते हैं हम लोग जेई एडवांस के बारे में। तो जेई एडवांस में यार कुछ भी फिक्स नहीं होता। यहां पे आप लोगों का MCQ आ सकता है, यहां पे आपका MSQ आ सकता है, यहां पे आपका इंटीजर आ सकता है, यहां पे आपका मैच द फॉलोइंग आ सकता है और बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ। मतलब इसमें क्या आने वाला है ये आपको पहले से नहीं पता होता। हो सकता है कि आप में MCQ MSQ है, हो सकता है आप में MCQ MSQ इंटीजर है, हो सकता है आप में MCQ इंटीजर और मैच द फॉलोइंग आए। आपको कुछ भी पता नहीं होता, आपको लिटरली कुछ भी पता नहीं होगा। जो भी चीजें होंगी वो एग्जामिनेशन हॉल पे ही जाके पता चलेगा कि एग्जामिनेशन पे आपको किस तरीके से निगेटिव मार्किंग सिस्टम वो वहां पे रहने वाली है। एक और बात, अब यहाँ पे जो निगेटिव भी होता है, निगेटिव मार्किंग भी जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। सपोज अगर एक कोई मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है, जैसे कि ये हो गया हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं MSQ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पार्शियल मार्क्स दिया जाता है। पार्शियल मार्क्स क्या होता है भैया? पार्शियल मार्क्स का मतलब ये होता है कि सपोज उसमें दो ऑप्शन सही है, उसमें से तुमने अगर एक ऑप्शन को सही किया तो दो ऑप्शन सही थे उसमें तुमने एक ऑप्शन सही किया, सपोज वो दो मार्क्स के क्वेश्चन है तो तुम्हें एक मार्क्स मिलेगी। बात समझ आई? तो उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल मार्किंग। लेकिन अगर तुम कोई गलत ऑप्शन करोगे टिक, तो उसमें तुम्हारा माइनस हो जाने वाला है। उसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारा माइनस हो। जैसे कि जेई एडवांस में आपका -2 भी होता है, -1 भी होता है और 0 निगेटिव भी होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, वो आप लोगों को बता दिया जाता है, बता दिया जाएगा कि कौन से पेपर, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे आपका -2 होने वाला है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे आप लोगों का -1 होने। जेई मेंस की एग्जामिनेशन देने के बाद आप कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हो? आप एलिजिबल होते हो NIT के लिए, IIIT के लिए, GFTI के लिए और SFTI के लिए।
तो ये चार टाइप ऑफ कॉलेजेस होते हैं जिसके लिए आप जेई मेंस की एग्जामिनेशन जब देते हो तो एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप जेई एडवांस की एग्जामिनेशन देते हो तो आप एलिजिबल होते हो IISc बैंगलोर के लिए, IIT के लिए, या फिर कुछ पेट्रोलियम वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इस पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स को अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आप मुझे बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल रिव्यू बना दूंगा, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि 7-8 पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि IITs के लेवल के हैं, उसमें आप लोगों की एडमिशन होती है किससे, जेई एडवांस के बारे में। और शॉकिंगली आप लोगों को ये बात जान के बहुत ज्यादा ताजुब होगी कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि जेई एडवांस से आपका IISc बैंगलोर में भी एडमिशन होता है और जेई एडवांस से आप लोगों का पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन होता है। और सिमिलरली बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता है कि आप लोगों का जेई मेंस के थ्रू SFTI में एडमिशन होता है और GFTI में एडमिशन होता है। काफी सारे बच्चों को नहीं पता है, उन लोगों को बस यही लगता है कि जेई मेंस मतलब NIT, IIIT और जेई एडवांस मतलब IIT, उनको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होता है। इसमें नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। सपोज आपके 300 मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई, 300 मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई, ठीक है। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीन पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। आपने क्या किया कि फिजिक्स में आपने 100 मार्क्स लेके आए, मैथमेटिक्स में आपने 100 मार्क्स लेके आया और केमिस्ट्री में आपने 0 मार्क्स लाए, टोटल आ गए आपके सपोज 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स के हिसाब से सपोज आपकी रैंक बनी 10,000, तो 10,000 के हिसाब से आपको जो कॉलेज मिलना होगा वो मिल जाएगा। लेकिन लेकिन जब आप लोग जेई एडवांस की परीक्षा देते हो, जब आप लोग क्या देते हो, जेई एडवांस की परीक्षा देते हो, तो जेई एडवांस की परीक्षा में यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है और टोटल कट ऑफ भी होता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, एक और होता है हमारा टोटल कट ऑफ। जैसे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या होता है, सपोज मान लो आप लोग की 300 मार्क्स की परीक्षा हुई, 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा हुई, इसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, PCM। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ सपोज कि जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए होता है 10%, तो आपको फिजिक्स में 10 मार्क्स, केमिस्ट्री में भी 10 मार्क्स और मैथमेटिक्स में भी 10 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 10, 10 और 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब जब पेपर टफ होता है तो इस 10 मार्क्स को घटा के कभी 7 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स और कभी 9 मार्क्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये देख के तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि 100 मार्क्स की परीक्षा हुई, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 या फिर 10 या फिर 8 या फिर 5 ऐसे कुछ मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बट हकीकत ये है, कई सारे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है या फिर आप भी, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, सपोज 360 की परीक्षा हुई, ठीक है, PCM, उसके फिजिक्स में आए सपोज यहां पे 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स में वो लेके आ गया 80 मार्क्स और केमिस्ट्री में वो सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स लेके आ पाए। तो ऑल्दो उसके 136 मार्क्स आ गए और 136 में उसे कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, या तो IIT मंडी मिल जाती या फिर IIT रोपड़ मिल जाता, कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन क्योंकि उसकी केमिस्ट्री की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है सब्जेक्ट की, इसी वजह से वो जेई एडवांस में एलिजिबल ही नहीं होगा, मतलब वो क्वालिफाइड नहीं कहलाएगा, वो नॉट क्वालिफाइड हो गया। बात समझ आई? तो आप लोगों को जब आप जेई एडवांस की एग्जामिनेशन देते हो तो इक्वली सारे सब्जेक्ट ये नॉलेज होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की परीक्षा होती है उसकी जो सिलेबस होती है वही आपकी जेई मेंस की सिलेबस होती है, ठीक है। और जेई मेंस की सिलेबस जो होती है और जेई एडवांस की जो सिलेबस होती है बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डिफरेंस नहीं होता, स्लाइट डिफरेंस होता है। आप लोग जाओ और YouTube पे सर्च कर लेना सिलेबस डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एंड जेई एडवांस, मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोगों को वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आप लोगों को वहां पे जाके पता चल जाएगा कि किस तरीके की डिफरेंस आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है यार, जेई मेंस की जो परीक्षा होती है इसमें सारे बच्चे मतलब जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं वो भी बैठ जाते हैं, दे देते हैं। अमूमन अगर आप देखोगे तो तकरीबन यहाँ पे 10 लाख से लेके 12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, और जो हमारा जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 2 लाख बच्चे ही देते हैं। मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, मैक्स इतने बच्चे भी नहीं देते हैं। पिछले साल शायद 1.63 लाख बच्चों ने दिया था, 1.6 लाख। तो मैक्सिमम 2 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं या फिर 2,20,000, 2,25,000 बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। तो जेई मेंस एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो कि फिल्टर करती है बच्चों को किस चीज के लिए, जेई एडवांस के लिए, और इसे कंडक्ट कराती है हमारी IIT। और फॉर्चुनेटली जेई एडवांस एक ऐसी एग्जामिनेशन अभी इंडिया में बची रही है जिसकी क्वालिटी अभी भी मेंटेन है। ऑब्वियसली UPSC का एग्जामिनेशन, गेट का एग्जामिनेशन, वो सारे एग्जामिनेशन तो हैं, लेकिन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी लिए जाते हैं उसमें IIT मतलब जेई एडवांस एक ऐसा परीक्षा है जिसने आज तक अपनी क्वालिटी को डिग्रेड नहीं किया है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हल्का फल्का हो जाता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जेई एडवांस की एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो आपके अंदर वो बेसिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो सारी चीज़ों की अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आपका जेई एडवांस का परीक्षा होता है यार, ये 6 आवर का परीक्षा होता है। 6 आवर कितने घंटों का होता है, 6 घंटों का, मतलब 3-3 घंटों का 2 पेपर होता है आपका, ठीक है, 3-3 घंटों का 2 पेपर। और जो जेई मेंस की परीक्षा होती है ये आप लोगों की 3 घंटों की पेपर होती है, 3 आवर,
ठीक है, तो 3 घंटों की ये पेपर हो गई और ये हो गई हमारी 6 घंटों की पेपर। तो आप वीडियो अगर देखना चाहते हो पूरी डिटेल में तो आप बस लिखना अबाउट जेई एडवांस, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मिलेगी 10-15 मिनट की वीडियो पूरी डिटेल में मिलेगी, पूरी डिटेल में, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बस एक कंपेयर करके बताया आप लोगों को कि दो एग्जामिनेशन है, दोनों एग्जामिनेशन की क्या क्या खासियत है और दोनों एग्जामिनेशन में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस। और डेफिनेटली जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत डिफरेंस मेरे हिसाब से अभी तक है एग्जामिनेशन लेवल में। बात समझ आई? तो होपफुली आप लोगों की सारी डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना।